बाद भारत सरकार ने एक विज्ञापन जारी करके कहा है कि सरकारी नीति बनाने के लिए वह अफसरों की बगैर किसी परीक्षा के नियुक्ति करेगी। विज्ञापन में साफ लिखा है कि ये अफसर निजी क्षेत्र या विदेशी कंपनियों से भी हो सकते हैं। इन नियुक्तियों में SC, ST, OBC, PH आरक्षण समेत किसी संवैधानिक नियमों का पालन नहीं होगा। यह विज्ञापन कई अखबारों में आज छपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली एडिशन में आप इसे पेज 11 पर देख सकते हैं। इसे आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समाप्ति की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम मान सकते हैं। यह जो हो रहा है वह आज तक कभी नहीं हुआ है। विज्ञापन में क्या है? विज्ञापन बता रहा है कि केंद्र सरकार नीतियां बनाने वाले पद यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के 10 पोस्ट सीधे भरेगी। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। ये पद 10 मंत्रालयों को चलाएंगे। ऐसा करके सरकार संविधान के कई अनुच्छेदों का सीधा उल्लंघन कर रही है। अनुच्छेद 15(4) का यह सीधा उल्लंघन है, जिसमें प्रावधान है कि सरकार वंचितों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। अनुच्छेद 16(4) में लिखा है कि सरकार के किसी भी स्तर पर अगर वंचित समुदायों के लोग पर्याप्त संख्या में नहीं है तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर चूंकि SC, ST, OBC के लोग पर्याप्त संख्या में नहीं है, इसलिए उनकी नियुक्ति में आरक्षण न देने का आज का विज्ञापन 16(4) का स्पष्ट उल्लंघन है। अनुच्छेद 15 और 16 मूल अधिकार है, यानी भारत सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन की अपराधी है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में यह बताया गया है कि केंद्र लोक सेवा आयोग यानी UPSC होगा, जो केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 320 पढ़िए, आर्टिकल 320, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। A child with the duty of the union and the state public service commissions to conduct examinations for appointments to the services of the union and the services of the state respectively. ऐसे में सरकार UPSC को बाईपास करके और बगैर किसी परीक्षा और आरक्षण के अफसरों को सीधे नीतिगत पदों पर नियुक्त कैसे कर सकती है? मेरा निवेदन है कि यह मामला जटिल है, लेकिन बहुत बड़ा है। आम जनता को इसे समझाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, तभी वह सरकार पर दबाव डालने के लिए आगे आएगी। यह काम समाज के प्रबुद्ध यानी पढ़े लिखे लोगों का है। कृपया संविधान को बचाइए, आरक्षण अपने आप बच जाएगा। अगर आज सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति बिना परीक्षा और बिना आरक्षण के कर ले गई, तो आगे चलकर क्या हो सकता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। BJP RSS आरक्षण खत्म करने की घोषणा कभी नहीं करेगी। वह ऐसा ही शातिर तरीके से आरक्षण को बेअसर कर देगी। फिर आपको भी लगेगा कि आरक्षण से कुछ होता तो है नहीं। इसके बाद की कहानी आप समझते ही है।